आज हम अल्फ्रेड टेनिसन की लिखी हुई वर्ल्ड फेमस पोएम यूलाइसिस को फुल हिंदी में समझेंगे। इसकी फुल समरी आप एंड तक ज़रूर देखिए। ये एमए इंग्लिश का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड आई एम श्योर ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है। यूलाइसिस एक ऐसी पोएम है जो हमें डिटेल में बताती है उदासी के बारे में, एक राजा की उसकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के बारे में, ज़िंदगी कैसे चल रही है उसके बुढ़ापे में। वो अपने घर में रहता है आइलैंड ऑफ इथाका में। ये जो समरी है यूलाइसिस की वो हमें एक मोनोलॉग जो यूलाइसिस जो किंग है वो कहता है इस पोएम के रूप में। मोनोलॉग एक लंबी स्पीच होती है किसी भी एक्ट या प्ले की। हम ये सीखते हैं कि यूलाइसिस अपनी ज़िंदगी से खुश या सेटिस्फाइड नहीं है, वो कंटेंट नहीं है जैसे वो ज़िंदगी जी रहा है उससे। इन अदर वर्ड्स वो अभी भी विश करता है कि वो समुद्र में सेल कर सके यानी घूम सके। वो अब बूढ़ा हो रहा है लेकिन ये बात उसे नहीं रोकती है। यूलाइसिस ये बिलीव करता है कि उसे अपनी ज़िंदगी का जो भी बचा हुआ वक्त है उसे इन्जॉय करना चाहिए। इन अदर वर्ड्स वो मरने की तैयारी में बिज़ी नहीं होना चाहता है बल्कि वो बिज़ी होना चाहता है और जीने के लिए। वो हमेशा सोचता है अपने उस आखिरी दिन के बारे में जब उसने समुद्र में सेल किया, और वो मराइनर्स को भी इमेजिन करता है। मराइनर्स वो लोग होते हैं जो मराइन जो कि समुद्र में सेल करती है, उस जो शिप होती है उस पर काम करते हैं। यूलाइसिस एक ग्रेट वर्क है। यूलाइसिस को अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने लिखा है। अल्फ्रेड टेनिसन की ये पोएम उन्होंने अपने एक दोस्त आर्थर हलम के ऊपर लिखा है जो अब इस दुनिया में नहीं है। पोएम की शुरुआत में यूलाइसिस कंप्लेन करते हैं अपनी खाली ज़िंदगी के बारे में एज ए किंग ऑफ इथाका आइलैंड। यूलाइसिस अब ओल्ड हो चुके हैं, वो अपनी बीवी के साथ रहते हैं। उन्हें लगता है कि वो अटक चुके हैं उन लोगों के साथ जिन्हें उनकी ग्रेटनेस का अंदाज़ा नहीं है। किंग जो है वो विश करते हैं कि काश वो फिर से ट्रैवल कर सकते और ज़िंदगी को और ज़्यादा जी पाते। यूलाइसिस एक एक्सपीरियंस्ड इंसान है जिन्होंने अपनी ज़्यादा ज़िंदगी को सी और शोर पर बिताई है और उन्हें तजुर्बा भी है। दुनिया उनका नाम जानती है और उन्हें इज्जत भी देती है, और वो एक वॉरियर भी थे बैटल ऑफ ट्रॉय में। हेंस हम ये जान पाते हैं कि यूलाइसिस ने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ देखा है, और यही वजह है कि वो रिफ्यूज़ करते हैं इस बात को मानने से कि अब ज़िंदगी का अंत आ चुका है। यूलाइसिस का जो सोचने का तरीका है वो आम इंसान की तरह नहीं है। वो इस बात में बिलीव नहीं करते हैं क्योंकि वो बूढ़े हो गए हैं तो वो वीक हैं। बजाय इसके वो सोचते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा और ज़िंदगी को जी सकें इन बचे हुए दिनों में। वो सिर्फ सांस लेने को ज़िंदगी जीना नहीं समझते हैं, वो ग्रेटफुल हैं कि वो अभी तक ज़िंदा हैं और बिलीव करते हैं कि ज़िंदगी में और भी बहुत कुछ है उनके इन्जॉयमेंट के लिए। यूलाइसिस इस बात को शेमफुल समझते हैं कि 3 दिन गुजर चुके हैं उन्हें ऐसे ही खाली बैठे हुए। वो बिलीव नहीं करते हैं कि उन्हें कोने में पड़े रहना चाहिए या अपने बालों को सफ़ेद होते देखते बैठना चाहिए। वो अभी भी नॉलेज को हासिल करना चाहते हैं और ढूंढते हैं उन रास्तों को जिनसे उन्हें नॉलेज मिल सके। बहरहाल समरी ऑफ यूलाइसिस हमें बताती है कि कैसे उनका जो बेटा है टेलीमाचस वो अपने फादर से नेचर में एकदम ऑपोजिट है। टेलीमाचस सेटिस्फाइड है अपनी ज़िंदगी से, वो खुश है कि वो एक राजा बन चुका है। यूलाइसिस अपने बेटे से बहुत प्यार करते हैं और उम्मीद करते हैं कि एक दिन वो बहुत ही अच्छा राजा बनेगा और घर के गॉड्स को भी इज्जत देगा। बहरहाल टेलीमाचस में अपने फादर के जैसी एनर्जी नहीं है। यूलाइसिस ये भी इमेजिन करते हैं कि कैसे समुद्र उन्हें पुकारता है। वो याद करते हैं अपने उन दिनों को जब वो ट्रैवल करते थे समुद्र में मराइनर्स के साथ और कैसे उनका दिल और दिमाग आज़ाद था। वो बूढ़े तो हो गए हैं लेकिन अभी भी वो काबिल हैं अच्छे काम करने के। और जैसे दिन ढलता है यूलाइसिस अब भी बिलीव करते हैं कि अभी भी देर नहीं हुई है। वो डिस्कवर करना चाहते हैं न्यू वर्ल्ड को और शोर पर जाकर फिर से सेल करना चाहते हैं। वो एक्सप्लोर करना चाहते हैं अपनी आखिरी सांस तक और मिलना चाहते हैं अचाइल्स से जो कि एक ग्रीक गॉड है। यूलाइसिस इस पोएम को ख़त्म करते हैं इस कंक्लूशन के साथ कि वो भले ही बूढ़े हो चुके हैं लेकिन उनकी स्ट्रेंथ अभी भी वही है, उनका वो हीरोइक हार्ट अभी भी वही है और उनकी स्ट्रॉन्ग विल पावर अभी भी वही है। इसीलिए वो हमेशा एक्सप्लोर और डिस्कवर करना चाहते हैं चीज़ों को। तो इस पोएम से हम ये कंक्लूजन पे आते हैं कि ह्यूमन बींग्स के अंदर जो एडवेंचरस होने की इच्छा होती है वही उनकी ज़िंदगी को जीने लायक बनाती है। हम देखते हैं कि कैसे एक ओल्ड एडवेंचरर खुद को एक जगह पर सेटल नहीं करना चाहता है, वो भी इस उम्र में, और वो और भी एडवेंचर्स करना चाहते हैं। अब इस पोएम को लिखने के पीछे क्या मेन स्टोरी है? ये पोएम अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने अपने दोस्त
की डेथ के ऊपर लिखी थी, जो ऑथर हेनरी हलम थे। यूलाइसिस जो है वो अपनी ज़िंदगी से बोर होकर रिटायरमेंट लेते हैं राजा की कुर्सी से और देते हैं एक हीरोइक स्पीच सभी सिपाहियों को और अपना थ्रोन अपने बेटे टेलीमाचिस को सौंपते हैं।